मियाँ जी, मैंने मकान का कहा था आपसे। हाँ, वो मैंने साजन से कह दिया था, फिर दोबारा उसे पूछना याद ही नहीं रहा। याद कैसे रहता मियाँ जी, आपको तो बस ये याद है कि लुबना हमीद ने कागजात जमा कराने। नहीं नहीं, ये बात नहीं है पुत्री। जब भी मैं कोई सच्ची बात करती हूँ, सब ये क्यों कह देते हैं कि ये बात नहीं है। इसलिए कि तू हम सब में से अलग हो गई हूँ। देख ले, तू फिर गलत सोच रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद सुना था, आप परी पैकेट से लुबना हमीद के कागजात क्या पूछ रहे थे। हाँ, तो वो तारीख थी ना उसके कागजात जमा करवाने की। और मैंने मकान की बात 2 दिन पहले की थी मियाँ जी। अभी हालात अच्छे नहीं है, तुझे पता तो है रात यहाँ मोहल्ले में कितनी फायरिंग हुई है। आपसे अलग होती तो एक गोली मुझे भी लग जाती मियाँ जी। मरे तेरे दुश्मन पुत्री। दुश्मन तो लुबना हमीद है मियाँ जी, वो मर गई तो परी पैकर कैसे जिएगा। और तुम तो परी पैकर को देखकर जीती है। ऐसी दुआ ना दे मियाँ जी जिससे तीनों मर जाए। शाबाश पुत्री, और अपने मियाँ जी को वक्फ कर दिया जो तुम सबको देखकर जीते हैं। जीते नहीं मियाँ जी, जितवाना चाहते हैं उसे बिला मुकाबला। वैसे मियाँ जी, इस तरह तो खेल का मजा ही नहीं आएगा। क्यों ना मैं ऑपोजिशन में खड़ी हो जाऊं, फिर मैं सोचती हूँ आप किसका साथ देंगे। परी पैकर का, और परी पैकर साथ देगा लुबना हमीद का, और फिर आप इन दोनों को देखकर जिएंगे मियाँ जी। तूबा तो फिर बीच से निकल गई ना मियाँ जी। हर वक्त अपने दुखों को याद करती रहती है तू। परेशानी तो इस तरह करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म, और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है पुत्री। सब्र शुक्र का, मोहब्बत इंसान तो अंधा कर देती है। मेरी अम्मी ताती थी, तुम्हारे अब्बा को देखकर कहती होंगी। ये तुझे कैसे पता? औरत की आंख मर्द को पहली नजर में पहचान जाती है। ये और बात है कि वो किसी वजह से चुप हो जाए। तूने फिर तंदू से तोता कैसे खाया? धोखा नहीं खाया, अपने आप को सजा दी है, एक बेवफा से प्यार करने की सजा। कभी याद तो आता होगा। जब भी रंगू को देखती हूं तो अपनी सजा याद आती है क्या देख रहे मियाँ जी?
जब मैं पहली बार लाहौर आया था तो यहां एक लैंप पोस्ट हुआ करता था। मैं और तरसेम सिंह सारी रात यहां बैठकर बातें किया करते थे। यही बैठकर पहली बार मैंने गायत्री को देखा था। फिर एक रात पता नहीं कैसे मोतीचांद ने देख लिया। उसी रात जब मैं अगली रात की मुलाकात का सोचकर सोया, फिर सुबह को उठकर इस छज्जे से देखा तो लैंप पोस्ट गायब था। कहाँ गया? मोतीचंद ने रातों रात ही तुड़वा दिया। ये हर दौर में मोतीचंद क्यों होते हैं मियां जी? क्योंकि हर दौर में मोहब्बत जो होती है पुत्री, तुम्हें कुछ समझाया आपने? बहुत मुश्किल है पुत्री उसे समझाना। क्यों मियां जी? उसने अलग से मकान लेने का फैसला कर लिया है। कहती है मियां जी आपके एहसान मुझे अपने हक के लिए बोलने से रोकते हैं। लता मैं बात करता हूं। ना पुत्री, उसने फिर तुझसे कुछ पूछ लेना और तेरे पास जवाब नहीं होना। अब इसका एक ही हल है, मैं सुबह लुबनान से मिलकर मंगनी की तारीख पक्की करता हूं। एक बड़ी पते की बात बताई थी आज का माफी कि जब भी दो औरतें अकेले में बैठ के बात कर रही होंगी तो किसी मर्द की बुराई कर रही होंगी, और जब भी दो सौकड़े आपस में हुस्ने सलूक से रहना शुरू करते हैं तो समझ लो खावन के बुरे दिन शुरू। मेरी बात सुन लो, हम दोनों बहने हैं, सौकड़े नहीं है, और हमारी तरफ से तुम तीसरी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। नाथल मानुस उतने ले भी आनी है तो ले आए ना, अच्छी बात है, कम से कम हमसे दूर तो रहेगा। मारो गाली मेरे दिल की टोटी, तू अपने रंगू को ऐसा समझती? इतबार ना तलना। अच्छा तो ये क्या कहा तूने इसे? तुझ ने? और तुझने भी पुत्र, ये आंखें हैं कोई टिच बटन नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तूने कुछ कहा? क्या कहा बोल, क्या कहा है? और बोल क्या कहा है? आप अगर तेरे मुझे हाथ भी लगाया ना तो तू, मैंने अपने आप को मार लेना, और फिर सीधे तूने फांसी कर देना। अब देख मारो ये क्या कर रही है, तुम खुद भी मरेगी और तुझे बेवा भी करेगी, यानी कि टू इन वन। तू भी तो इंसान बन रंगू, कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा, और तुम तो मैं भी करता हूँ उससे प्यार।